अस्सलाम वालेकुम, मैंगो भी बिलाव यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। ज़ारेप का व्लॉग है, दिल कहाँ गया? सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह हम अभी उठ गए हैं। बेगम जो है वो अपनी स्किन रूटीन कर रही थी, नाश्ता हमने ऑर्डर कर दिया, कपड़े मेरे इस्त्री होकर आ गए हैं, सब अपने अपने रूम में रेडी हो रहे हैं। मैंने जाना है नहाने, नहा के हम होंगे रेडी। रेडी होने के बाद हम करेंगे मस्ती। अबे नाश्ता, अच्छा नाश्ता, उसके बाद तो बस मिलते हैं ब्रेकफास्ट के टेबल पे। हम लोगों ने सिर्फ कपड़े चेंज किए हैं, बाकी रेडी हो जाएंगे फटाफट, क्योंकि जो रात हमने बैग वहाँ पे छोड़े थे पिशावर में, वो अभी तक बैग नहीं आया सबा का। और अभी नाश्ते का जो सीन है बहुत वीआईपी है, लाली अभी आ रहे हैं और बाकी सब लोग पहुँच गए हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नाश्ते का सीन, बहुत ऑन लग रहा। आ हा हा, यस अरे नाइस, वेरी गुड यार। ये देखें भाई क्या मजेदार व्यू आ रहा है, और ये देखें भाई, और ये देखें ये भाई ज्यादा मजेदार। आहा हा, नाश्ते का सीन देखें आप, वाजी वाह, वेरी गुड। इधर बैठूंगी, इधर ये देखें भी, ये देखें भी, ये देखें भी। इनके लिए मैंने प्राइस बनवाए थे ना बच्चों के लिए, इसको दिखाओ तो सही से। ओए होए 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 भालू, भालू। ओए हो, हो, हो। आज भालू आए हैं हमारे पास। भाई मैंने बोला कि पहले ना लाली करेगा नाश्ता, उसके बाद होगा रेडी। भाई मैं जो है ना पहले बोलता हूँ खा ले इंसान बंदा, फिर तैयार तो होता ही रहेगा। खैर नाश्ता जो है ना वो हमारा लगा है कहाँ पर भाई, किसी स्पॉट पर लगाया, वहाँ जाते हैं देखते। सो के उठने के बाद मेरा पहला घंटा, तो मतलब मैंने अभी रिजॉर्ट एक्सप्लोर करना है पूरा। मैं पूरा एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे छोटे भाई का रिजॉर्ट है, तो मैं एक एक डिटेल दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। साले सारे इतने बुखड़ हैं कि मुझे, मैंने बोला मुझे 10 मिनट रुक जाओ सालों, मैं आ रहा हूँ फिर कर लेना नाश्ता। नहीं, छोड़ के भाग गए साले, मेरे को छोड़ेंगे नहीं गाइज इनको। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग गाइज, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फौरन से पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, प्यार बरसा दो। ब्रेकफास्ट का स्पॉट ये और वो रहा, वो रही पूरी हमारी फैमिली जो कि बैठी है तैयार, पूरे तैयार होकर आए नाश्ता करने के लिए। यार मतलब इतना बाज जमा तैयार होकर नाश्ता कौन करने आता भाई, ऐसे हो? अस्सलाम वालेकुम। ओए भाई साहब हमारा गुड्डा, ओ हमारा एटीट्यूड, मैंने भी क्यों है गोविंदा, मेरा रंग जल रहा है, मेरा रंग जल रहा है गर्मी में, यू नो धूप हो रही है। अरे बुजुर्गाने दीन, कैसे हो? ठीक हो? सरासू क्या किया इसने? ये है ना जानबूझ के फड्डा जाने के लिए फड्डा अपना बेसिक नाश्ता आ गया है, वो जो बन रहा है वो टोस्टेड ब्रेड है। वो कपड़े आज पहन लिए, कपड़े आज पहन लिए, चार चार चीजें पहनी है मैंने, चल रहे। लेकिन फिर सीन ये है कि वहाँ पर रात हो जाएगी यार, मतलब शाम रात हो जाएगी, शाम की रात हो जाएगी मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस टाइम हम लोग जा रहे ना 2 बज रहे हैं और 3 बजे निकलेंगे। हम पहले भी 3 बजे गए थे, 1 घंटा भी निकलते हैं ना पूरे, नहीं 1 घंटा भी बहुत है यार, ये करीब की जगह है, 2 बजे पूरे निकलते हैं। अरे ये गली के बाहर ही है यार, गली के आगे तो है, गली के आगे तो है, करीब है, सच्ची है, तो मैं झूठियां बोल रहा हूँ, जी भी तो बोला गली के आगे, गली के बाहर नहीं है लेकिन है। दुनिया से बेजार आदमी, दुनिया से बेजार, अपनी इस मौज में लगा हुआ, गौर से देखिए को ना जाए। ये होता है मेरे कल जो कभी कभार होता है, कुछ भी कहना मतलब है, दोस्ती हो गई इनकी। मैं, माज और छोटू तैयार नहीं है, इसके अलावा सब रेडी हो गए, बस अब फटाफट से जाके चेंज करूंगा, रेडी होऊंगा। हम जाएंगे मालम जब्बा, इंग्लिश में डैडी, उर्दू में अब्बा, हम जाएंगे मालम जब्बा। हाँ हाँ, सब नीचे खड़े हमारा वेट कर रहे हैं और बिल्कुल हमें कत्ल करने की कगार पे है, क्योंकि हमने बहुत लेट कर दिया और लेट किए इन्होंने। हेलो गाइस, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, थोड़ी सी तबीयत खराब है। बेगम माज, बेगम जो है वो माज और सभा छोटू के साथ है, मैं जुल्कनैन भाई के लोगों के साथ हूँ। हम लोग आगे निकल गए क्योंकि हम समझे कि वो लोग आगे निकल गए, तो हमने जब उनको फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कि ब्रो हम लोग तो फ्यूल डलवा रहे हैं, तो हम उनका एक सागर किनारे दिलिया पुकारे जगह है वहाँ पर वेट कर रहे हैं। वो उड़ते हुए आ रहे हैं। बेगम मेरी वहाँ है दूसरी पार्टी के साथ, मैं हूँ बुजुर्गाने दीन पार्टी के साथ, भाई गाड़ी चला रहे हैं, वेरी गुड ड्राइवर, वेरी गुड पैसेंजर, वेरी गुड बच्चा, शी स्लीपिंग, बोल रही है आग लगी है बस्ती में, हमें अपनी बस्ती में। छोटे बच्चे नहीं होते वो बन जाते हैं हर जगह जाके, बिल्कुल पता नहीं कौन से पापड़ दबा रहे हैं लोग। हम यही देख रहे थे कि कोई हमारे पास भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपका भाई आपके पास ना है, ऐसा हो सकता है ये है क्या? ओहो, दिस इज मरुंडा,
हाय शर्मा रहा है आपको मेरे बगैर मजा आ रहा है सच्ची सच्ची सही है मतलब आप साथ साथ मैं मुड़ मुड़ के देखती हूँ सिर्फ कमल नजर आती चमक रही है ना वो तो माशाल्लाह मेरी बहन है इतनी प्यारी सर ये मीठा खाया जा रहा भाई ये गुड़ वाला मुरमुरा है नहीं मैं नहीं खाता टेस्ट टेस्ट तो करे ना तो आगे बढ़ो कैरेमल पॉपकॉर्न है तो चलो बर्गर है ना कि कैरेमल पॉपकॉर्न है जाए 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 बाय कैसा मेरे मुंह पे दरवाजा बंद करके ऐसे मुझे किन्नू ढूंढ के दिया वाह सबा वाह ग्रेट हो तुसी ग्रेट हो ए हीरा मानी आज भी हुआ पानी पानी कम डाउन बेबी कम डाउन सबा को हमने कर लिया किडनैप सबा को आवाम बहुत आगे थी तो गाड़ी में आके बैठी वो लोग मुझे छोड़ के चले गए इतनी कोशिश कर रहा है ना ये खाने की बेचारा लेकिन इससे खाया नहीं जा रहा ये क्या चल रहा है हम पहुंच गए पहुंचते साथ ही मैंने सबसे पहले उठाया अपने ग्लव्स और कैप क्योंकि मुझे तो लगती है बहुत ठंड हालांकि ये लोग बोल रहे हैं कि आज ठंड कम है आज इतनी ठंड नहीं है लेकिन ठंड इज ठंड मेरी नजर में कम ज्यादा कुछ नहीं होता ठंड ठंड होती है अब मैं मियाँ का वेट करनी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के उस गाड़ी में बैठ गए थे गाइस हियर ही कम्स लाली आप पता क्या लग रहे हैं जैसे ना किसी बच्चे को मार के नहीं लेके आते घर से कि चलो तुमने चलना है हाँ जब उठाकर चलो रेडी करो कुछ कपड़े पहनाए कपड़े पहनाए भाई ये की है देखो जरा जल्दी करो बहुत सर्दी है मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ लकड़ी सर्दी लग रही है ना बेटा शॉल निकालू देखो लगी नहीं ना ये तुम इस चक्कर में ऊपर नहीं जाओ फिर सब अरे मैंने बहुत पे कुछ पहना है बहुत ठंडे चेयर लिफ्ट में इसके साथ मैं बता रहा हूँ नहीं इसका कंबल लाई हूँ मैं फड्डा 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 अरे वो देखिए ऑल थैंक्स टू कमल जिसने मुझे कमल हर जगह ना कहीं मैं हमेशा कुछ ना कुछ भूल के आती हूँ और कमल जो है ना वो हर चीज मुझे प्रोवाइड करती है अभी भी मैं कैप लाई नहीं मैं कैप्स भूल आई तो कमल ने अपनी न्यू कैप निकाल के मुझे दी है जो मैंने ली हुई है भाई बहुत ठंड है यार बहुत ठंड लग रही है अल्लाह ताला इंग्लिश में चीक्स थे उर्दू में गाल मेरे ही बेगम के गाल हो गए लाल स्पाइडरमैन ने बिछा दिया जाल क्या कर रहे हो कमाल हाय 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 लोग बोलते हैं जिंदगी झंड है ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पर बहुत ठंड है यार छोटू पैकेट अंग्रेजन फिर हमारा ये बच्चा पाकिस्तान में नेपाली रशिया से मंगाया है आज भाई जो मैंने एक जगह स्टॉप लगवाया था ना तो वहाँ पर मैं गया था सुसु करने के लिए सुसु करने के लिए जो मैं गया तो उसने मुझे बोला कि आप दो 100 रुपए तो मैंने 100 रुपए दे दिए मैंने बत्ती खोली तो लाइट नहीं जल रही मैंने 50 मेरे मुझे वापस कर तो उसने बोला फ्लश तो आप हमारा इस्तेमाल करोगे मैंने नहीं करा जा ओ अंग्रेज फुल लाल लाल हो रही बाबा बहुत ठंड लग रही है अल्लाह की कसम मेरे ग्लव्स के अंदर से भी हाथ ठंडे हो गए हालांकि मैंने 2 सॉक्स पहनी है फिर भी ये तो देखो अपने बच्चों को कवर डोवर शॉवर करा हुआ है ये स्विट्जरलैंड से कपल आया हुआ है सबकी व्लॉगिंग खुल गई है अब यहाँ से हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं हम आपको बताते रहेंगे मगर ठंड बहुत ज्यादा है जरनाब ने लड़ झगड़ के मेरे एक हाथ पे ग्लव्स पहना दिया मैंने मुझे एक हाथ खाली रखने दो यार 2.5 किलो का हाथ है कातिया हमारा अंग्रेज का बच्चा ये देखो मेरी बहन को कितनी प्यारी माशाल्लाह 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 हमने की हंसे यार अच्छा माशाल्लाह मेरा दोस्त लाहौर से गाड़ी चलाकर आया मारता हूँ ये मियाँ बीवी मिलकर मुझे ताने देने शुरू कर देते हैं क्योंकि मैंने अपने मियाँ की साइड नहीं ली मैं अपने मियाँ की साइड लूंगी बस बहुत हुआ अच्छा ठीक है फिर हंस के दिखाओ ऐसे ही सब कह रहे थे माज भाई की मुझे ठंड लगती लग देख के तो लग रहा ठंड लग रही है सबसे कम चीजें पहननी भी और सही है मुझे जबरदस्ती लड़के आपने पहनवाई है फजूल में और अभी आपकी जिप भी बंद हो गई शराब देखते हैं तुझे मारने के लिए लोग देख कितने मुझे सलमान बचा लेगा साथ वाले मोहल्ले का कहेगा चलो यार जल्दी करो पीछे देख बर्फ पड़ी है मुझे नहीं अल्लाह कैसे मिल गई नहीं नहीं मेरे को नजला नजला ये लोग मुझे मना कर रहे हैं मैं मुझे स्पाइडरमैन एबिलिटीज यूज करने दो ये लुक हैंडसम एज ऑलवेज हां समझ जाओ वो कह रही है अच्छा कर रही है ताई आप और जो है साथ लाली पीछे आते पहले बुजुर्ग जाएंगे जाए यार जाए ऐसे कैसे मेरे मियाँ को बोल के निकल जाएंगे भाई ऐसे कैसे बाय 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 चलो जी अपनी बारी है 3 2 टाटा 3 2
एक्शन चैचू बंद कर दो इससे पहले कहीं निकल जाए। मेरा पाँव उधर उठ गई, मेरा पाँव आधे आधे में बटी है। जरनाल ने मेरे जूते पर निशान मार दिया। अच्छा यार गाइस मेरी टांगे तो देखो बीच से पटवा रहा हूँ। पता चला कि आप क्यों नहीं आ रहे थे, कपल कपल और आप सोलो। मैं और मेरी बेगम फर्स्ट टाइम चेयर लिफ्ट में साथ साथ बैठे और मियां बीवी बन के मेरी बेगम तो पूरी लाल टमाटर हो रही है, फुल ऑन लाल लाल गाल लाल लाल हो रही है पूरी है, है? कार्टून ठंड बहुत लग रही है इनको। ठंड वैसे बहुत लगती है गाइस, मैं कमजोर ही बहुत हूँ मुझे लगता है। बेगम आपको कैसा लग रहा है साथ घूम के? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड थोड़ी कम हुई अभी, मतलब अभी बॉडी यूज्ड हो रही है तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, थोड़ा हुआ लेकिन ठंड है बहुत है। मतलब मेरे ग्लव्स के अंदर उंगलियां जो है ना बिल्कुल बर्फ हो रही है। जनाब लाल कितनी हुई है यार, मैं पता नहीं कही हूँ ठंड में जाती हूँ ऐसी हो जाती हूँ लाल। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो बुजुर्गो कैसे हो, आवाज आ रही है? माज भाई कैसे हो? इसको बोलो जरा स्पीड पकड़े, जल्दी चढ़े ऊपर। स्पीड पकड़ ले भाई। गाइस वैसे तो बर्फबारी हो नहीं रही मगर पड़ी भी बर्फ हो रही। वो आप गौर से देखें, आप ये वो नहीं है धुला हुआ सर्फ, वो है खुली बर्फ। वाह वाह, आप पीछे व्यू देखें गाइस, गेम सारी व्यू की। ये हमारा पॉइंट, चलो भाई हमारा भी लैंडिंग हो गई है और हम भी जो है वो आ गए हैं तो जमीन पे छाव है। बहुत जुल्म किया मेरे साथ, इसका बदला मैं लूंगा। फिर भी आपको कंपनी दी, हमने आपका शूट करवाया। थैंक यू मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह के बाद शाम हो गई, हम सुबह सुबह जाग गए, हमारे दोस्त हमें छोड़ के भाग गए। हमने यहाँ पे कराया है शूट भाई साहब, मोबाइल से उन्होंने आईफोन से ऐसी सेटिंग निकाल के हमें थोड़ा सा शूट करके दिया, हमें पोस्ट करेंगे। आपने कभी सोचा था कि आप इतनी खूबसूरत बेगम के साथ चेयर लिफ्ट पर बैठे? आप वहाँ बैठ के ये नहीं सोच रहे थे कि मैं इस खूबसूरती को देखूंगी, मैं उस चलें जी लाइव यहाँ पे फैन मोमेंट्स हो रहे हैं। जी जी आ रही हूँ सर। ये कहाँ है हमारे घर वाले? ये रहे गाइस, आए 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 आए, जहाँ जाते हैं दाल चावल, जहाँ जाते हैं। सीधा आदमी हूँ, इससे सामने लगे कि मैं सीधा साधा, जहाँ जाते दाल या सब्जी। हाँ सही बात है, दाल सब्जी। अभी अपने दोस्त की दावत थी, सबने बिरयानी बनाई, मैंने दाल खाई। हम आपको सुना रहे हैं बार बार की बिरयानी, तो कोई बात नहीं जाके खिला दूंगी। जाना ही नहीं अब हमने, तो मैं कराची भेज दूंगी। ये की ना, ये की ना दिल जीतने वाली बात कि कराची भेज दूंगी। इसको तो देखो हमारे गोविंदा को, ये तो शहजादी है, ये तो शहजादी है। इसको तो ठंड नाम की चीज ही नहीं है, पता नहीं क्या है ये लड़की। ए जी आ गई है सबकी चाय, सलमान भाई लाए चाय वाला। वाह 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 वाह, पीसी से खाएगा। थैंक यू। शर्म नहीं आ रही क्यों? चाय पी भी रहे हैं। मैंने पी नहीं, पीने ही लगे थे ना अभी। चेक करो जहर तो नहीं डाल दिया, जहर तो नहीं डाल दिया। उन्होंने देखा कि मैं फ्लैश से व्लॉग बना रही हूँ, उन्होंने कहा हम लाइट खोल देते। गरीबों, उन्होंने बोला बहुत जुबान चल रही है। जितना आपने मुझे डांटा है ना इस चेयर लिफ्ट के सफर में, सही डांटा। बीमार हो जाते तो फिर कौन जिम्मेदार था? मैं। सब बोल रहे हैं कि हमें 2-3 दिन बाद आना चाहिए था, क्योंकि बर्फ जो 2-3 दिन बाद मिलनी थी, मगर जिस तरह के हमारे नसीब है ना, 2 डब्बे लो, दोनों में लाख लाख रुपए रख दो, जो हम उठाएंगे वो खा लिए होंगे। नहीं तो किसी ने पहले निकाल लिए होंगे ना, फिर वो दोनों में डब्बे रख। जब ये दिए इसका कुछ करना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं पीसी, वहाँ हम करेंगे डिनर थोड़ा सा, उसके बाद हम जाएंगे। बेसिकली प्रॉपर डिनर प्लान है, बट हमने बोला है कि हम रिजॉर्ट में खाएंगे, क्योंकि वहाँ खाना हमें बहुत अच्छा लगा। विंग्स, ज्यादा गुस्सा दिखाने की ना जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ आपके साथ। भाई पहन लिए यार, तो अच्छी बात है ना, थोड़ी देर पहन ले फिर उतार लिएगा, फिर पहनिएगा। छोटे बच्चे को रेडी किया जा रहा है सर जी से बचाने के लिए, क्या बात है भाई, क्या बात है, केयरिंग भाई। आप ये ना समझे कि सिर्फ आपके पास बच्चा है। हाँ मेरे पास बच्चा है और आपसे ज्यादा मुश्किल बच्चा है। देख खड़ा कैसे बार बार ये जैकेट पहनाई जाती है, ठंड लग जाएगी ना बिल्कुल, डायरेक्ट हवा लगेगी अभी। देखे मेरी बात सुने, और देखे ये अपना सलमान प्लीज कतार में लगी आप। अब हम जा रहे हैं वापिस, और वापिस जा रहा है फुल स्पीड में, और मुझे डर लग रहा है।
जल्दी जल्दी भाई, आते हुए जितना स्लो था ना, हम कंप्लेन कर रहे थे कि स्लो है, उन्होंने जाते हुए कर दिया ऐसे, पैर फंस गए। लाली पता नहीं कैसे बैठते हैं। अच्छा बताओ, वैसे मैंने लाइफ में कोई छठी सातवीं बार चेयर लिफ्ट लिया और हमेशा मेरा पता नहीं क्या मसला है, इससे मेरा टांग उधर से आ रहा है, क्यों हो रही है अचानक यार। आते बड़े होशियार बन रहे थे ना, ये पहनाए ग्लव्स। गाइस जाते हुए डर लग रहा है अल्लाह की कसम, क्योंकि एक तो है अंधेरा, ये देखिए शहज कैसे भूतनाथ कैसे कैसे नहीं निकल रहा, नहीं आ रही, इतनी इतनी भी ठंडी नहीं है। जाते हुए लोगों ने ना तेज कर दिया है, इसलिए बैठते हुए भी मुश्किल हुई, उतरते हुए भी होगी मुझे तो। मैं आपको ना आपकी मम्मी आपको से ज़रनब आई लव यू। आप लोग उनकी आवाजें नहीं हो रही, वो चीयर कर रहे हैं। ज़ुल्करनैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। अरे यार वो आगे से जवाब भी दे रहे इतने दूर। हाल गाने में है साज, कैसे हो माज। बस अब गला खराब हो जाएगा, गला खराब हो जाएगा। एक मिनट, सलमान भी है ना। सलमान तू अकेला ही रहेगा। फैंस आ रहे हैं, जा रहे हैं, चेयर लिफ्ट पे इतने लोगों ने, इतने लोगों ने हमें शादी। हेलो हाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमने आपकी पूरी शादी देखी है। अरे शादी की मुबारक हो सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आते जाते हैं लोगों ने हमें शादी की मुबारक दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा लगता है कि हमारी जो घर में फैमिली है उसके अलावा बाहर भी फैमिली है हमारी बहुत। और इतना 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 लोग खुश होते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, मिलते हैं इतने प्यार से। थैंक यू सो मच गाइज, वी लव यू। इनकी शॉपिंग का टाइम शुरू हो गया है हमारे बच्चों का। चले बस ये दे दें। ये लोग इतनी तेज इसलिए आए कि दोनों बच्चों को इन्होंने यहाँ छोड़ दिया। यार हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए हुए हैं और ये लोग यहाँ पे खेले जा रहे हैं, खेले जा रहे हैं। और हमने लारेब को भेजा कि लारेब मास भाई को ले आए, और लारेब यहाँ आके खुद इनके साथ खेल रहे हैं। पता नहीं इनको क्या मसला है। चले ना खाना खाना है। ये जीत गए। क्यों बैठे हुए यहाँ पर? हम इसलिए बैठे कि हमने प्लेट तोड़ दिया, बोले घर नहीं जाओगे सालों, पैसे दे। फाइनली आ गया है हमारा खाना, अभी हम खाएंगे थोड़ा थोड़ा, एक एक स्लाइस खाएंगे बस, और फिर जाएंगे खाएंगे हम माज भाई के रेस्टोरेंट जाके, क्योंकि वहाँ का खाना इज नैन भाई। अब हम खाएंगे खाना। Open your mouth. यार। अच्छा सलमान भाई सब छोड़े, आपको पता है अभी लारेब करने क्या जा रहे थे? लारेब वो जो येलो घोड़ा है ना, वो इसके ऊपर बैठने जा रहे थे, कसम से मैंने देखा है अपनी आंखों से। और ये हमें देख के वापस हो गया वहाँ से। हाँ कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये आपकी उम्र है इन झूलों पे बैठने की? बिना हम पूगेंगे, जो पहले लोग मतलब पांच निकलेंगे वो एक गाड़ी में बैठेंगे, बाकी एक गाड़ी में बैठेंगे। अभी इन लोग नहीं, नहीं तुम लोग तीन एक गाड़ी में हो ना, हम तीनों में से जो पहले पूग गया वो तुम लोगों के साथ जाएगा। चलें आएंगे ना। 1 2 3 go। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। 1 2 3 go। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। चलो जो दो आगे वो माज भाई, चले बाय बाय। हमने माज भाई को भेज दिया उस गाड़ी में, क्योंकि हमने बदतमीजी करी अब। अच्छा इसको देखो कितनी, मैं पूरे रास्ते आते हुए अपने शोहर के बगैर आई हूँ, ये देखो ये बदतमीजी की। हम गए बहुत फ्रेश थे और आए बहुत लेजी हैं, क्योंकि सबका दिल गाड़ी में खराब हो रहा था, स्पेशली लाली का सबसे ज्यादा, उसके बाद मेरा, और सारा सामान मैंने उठाया हुआ भी। नैन भाई वैसे 2.5 पीस आपने पिज्जा के खाए थे, और सबसे पहले ग्रुप में आपका मैसेज आया कि भूख लगी है। तुम गिन रही थी। मैंने आपको सर्व किया था ना, इसलिए मुझे पता है। कहाँ सर्व किया था? हो पिज्जा किसने डाल के दिया था आपको? झूठी। ये म्यूजिक के बगैर नाचने का हुनर जो है ना, वही नहीं दोनों के पास है बस। ये डीजे ही हमारा इतना स्लो है, क्या करें? नेक्स्ट स्लो है। अच्छा है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा। अच्छा गाने नहीं चल रहे, इतने दिल से कर रहे हैं कि गाना ही नहीं चल रहा यार ये लोग। गाना कॉपीराइट की वजह से नहीं चला रहे। चल गया चल गया। जब मैंने आपको जब देखती थी ना, मैं गेम शो से चलेगा,
जरन आपकी आंखों में आंसू क्यों? इतनी प्यारी प्यारी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू। ये भी मुझे आंटी यहाँ पे मिली है, मुझे कह रही है बहुत प्यारी हो, आपकी आंखें बहुत प्यारी है। गेम शो में जब आप रोती थी ना, मैं देखती थी कि इसकी आंखों में आंसू है। हम आ गए हैं नीचे खाना खाने के लिए, क्योंकि सबको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, तो बस अभी जाएंगे और खाना खाएंगे। ठंड भी है और वो सब हमें छोड़ के बैठे, अब जैसे नजर आए तो इशारे करेगी। मेरी बेगम पता नहीं क्यों इतनी सीरियस सीरियस बैठी हुई है, क्यों मेरी बेगम इतनी सीरियस सीरियस, कितनी कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? चल 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 सबने पूरी कर ली है अपनी कढ़ाई, खाएगा सुलकर नैन चिकन कढ़ाई। सोले तू मेरे को काम नहीं करने देगा कभी जिंदगी में। फिश एंड चिप्स, चाउमीन, वाउमीन सब आ गया। गुल कैसा है? वेरी गुड। बहन कैसा है? वेरी गुड। चला जाए यहाँ से। भाई मेरी बेगम ने अभी अभी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी कि गोलगप्पे खाने हैं, तो इत्तफाकन मैंने अभी उनकी स्टोरी देख ली। मैं स्टोरी दिखा रहा हूँ यहाँ लगी हुई। सलमान भाई को मैंने बोला, सलमान भाई यहाँ पे क्या गोलगप्पे मिल जाएंगे? उन्होंने बोला क्यों नहीं मिलेंगे यार लाली, बोलो और ऐसा ना हो। तो अब हम जा रहे हैं गोलगप्पे की हंट पे, और जुलकर नैन ने नाप को बहाना लगाया कि ला रहे बाथरूम में, 10 मिनट से ज़्यादा बाथरूम में रहता, कि उसको पता है भाई 10 मिनट से पहले पहुँचा। बड़ी मेहनत करी हमने, आधा घंटा मतलब बल्कि 40 मिनट हम घूमे मैं और भाईजान, और एक रेडी वाला था मगर वो बंद करके जा रहा था, हम समझे किसी और चीज़ की रेडी है, मैं समझा। हम घूमते भागते पीछे गए पर हमें गोलगप्पे नहीं मिले, ना गोलगप्पे का पानी मिला, मगर हम कल इंशाल्लाह ताला जरना आपको गोलगप्पे खिलाएंगे। अभी जाके हम ये बोलेंगे कि नहीं मिले, वो पहले तो मुझे गुस्सा करेंगे, कहाँ चले गए थे लाली, ये कोई टाइम है जाने का बाहर, ये था नहीं सच्ची था। सुने सुने जल्दी ऊपर देखें, बताता हूँ मैं आपके लिए गोलगप्पे का पानी ढूंढने गया हुआ था, आपने स्टोरी लगाई थी गोलगप्पा खाना, आपको हमने बहुत ढूंढा, हमें कोई गोलगप्पा नहीं मिला। 40 मिनट ढूंढा मैंने, कब से ढूंढ रहा हूँ, यहाँ होते भी नहीं। नहीं उन्होंने बोला कि अभी मतलब 11 बजे बंद जाती मार्केट, हम आपको कल खिलाएंगे इंशाल्लाह। मैं तो आपके लिए गोलगप्पे ढूंढने गया था, मैं सरप्राइज़ करूँगा, गोलगप्पे ढूंढ के ले आया मैं। मैं इंस्टा पर स्टोरी देखी थी गोलगप्पे खाने, तो मैं भाग के चला गया फ़ौरन। गुलेल तोड़ दी तूने साले। अच्छी वाली गुलेल पड़ी थी, तोड़ दी इसने, गरीब तोड़ गई, इधर ही रख दिया मैंने। इसको भूख लगी है, वो खाना खाए, उसके बाद पी लो गर्मा गर्म चाय। हाय हाय, तुम्हारा शेर सुनने के बाद हम सबका दिल कर रहा है कि सब मिलकर जुत्ती लाए चाय और आगे हो जाए मोए मोए। सॉरी सल में 12:30 के बाद ऐसे ही होता है, 12:30 अगर किसी की बातें भरोसा नहीं करना चाहिए इंसान को। सही बात है, दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा। सही बात है, प्रोग्राम बढ़ गया। नहीं मेरा प्रोग्राम बढ़ा नहीं है, इनका प्रोग्राम बढ़ गया, मगर हमारा चल रहा है, क्योंकि जिसको लगे ठंड टन टन टन। किन्नू लाया है मेरा भाई, किन्नू आए हैं गर्मा गर्म ठंडे ठंडे किन्नू। चोर भी साथ लाए हो आप, चोर भी साथ लाए हो। तोड़ के लाए? नहीं, 50 कदम चल के मुझसे किन्नू लेने के लिए आए। फाइनली जो है वो दिन का इख्तिताम हो गया है, सब अपने अपने कमरे में चले गए हैं, और माज भाई को हमने किन्नू देकर रवाना कर दिया है। जुलकर नैन भाई अपने लिए मंचिंग लेकर आए थे और वो भी खा के सो गए। आपका लाली भाई जाग रहा होता है, क्योंकि आपके लाली भाई कोशिश होती है कि प्रॉपर एडिट करके सोए, ताकि आप लोग टाइमली हमारे ब्लॉग्स देखते रहे। तो बहुत सारा प्यार बरसा दो। और गाइस एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, हम कल के ब्लॉग में मैं और गुल अनाउंस करेंगे कि कौन है वो दो हमारे फैंस, फैमिली मेंबर, हमारे सपोर्टर्स, जिनसे हम मिलने वाले हैं। कल का वेट करना है व्लॉग का, कल का व्लॉग होने वाला है बहुत ही आला। तो आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, बहुत सारी मस्तियां करी, गोलगप्पे नहीं मिल पाए, बस ये टेंशन रह गई, मगर कोई मसला नहीं, अपनी बेगम को गोलगप्पे हम कल खिलाएंगे। तो गाइस सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फौरन से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फैमिली हमारी ज्वाइन कर लो। ज़ारेब ऑलवेज लव्स एंड रिस्पेक्ट एवरीवन जो हमें फॉलो करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, ये सब आपकी दुआओं का ही असर है। अपना बहुत ख्याल रखें, लाली आउट, लाली की बेगम कब से आउट, ओके द बाय। चलिए लाली स्टार्ट कर लें यार, चले ना लाली, अच्छे आ रहे हैं यार, स्टार्ट कर लें ब्लॉग।